हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपकी महादेवी। आज मैं आप लोगों को स्प्रिंग ऑनियन की चटनी बताऊंगी, जो चपाती रोटी, जवारी की रोटी, बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है। इसके लिए पहले तो पीनट को रोस्ट किया जाता है और स्प्रिंग ऑनियन को मैं ऑलरेडी कट करके धो रख के रख दी हूँ। पीनट रोस्ट हो गए, अभी मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये ठंडे हो गए, इसके मैं लाइट से छिलके निकाल चुकी हूँ। अभी जार में डालेंगे। जार में डालने के बाद इसके अंदर मैं 1/2 स्पून जीरा डाल दूंगी और 1.5 स्पून रेड चिल्ली पाउडर। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो, ज़्यादा तीखा चाहते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो या कम भी डाल सकते हो। थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे, ये खट्टा मीठा और स्पाइसी होता है। स्वादानुसार नमक, नमक को देख के डालिए। 6 से 7 गार्लिक अभी हम लोग इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, ये ग्राइंड हो चुका है। हमें पूरा पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। इसके अंदर मैं 2 से 3 स्पून इमली की खटाई डालूंगी। देखिए, मैं स्प्रिंग ऑनियन को कट करके धो के रख चुकी हूँ। जो पीनट और मसाले डाल के मैं ग्राइंड करके रख चुकी थी, उसके अंदर थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन डाल के फिर से एक बार ग्राइंड कर लूँगी। हमें थोड़े से ही स्प्रिंग ऑनियन डाल के ग्राइंड करना है, बाकी स्प्रिंग ऑनियन को साबुत ही रखना है। इसे जवारी के रोटी के साथ खाया जाता है, दही के साथ या इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल के, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप ट्राई करिए और आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइए जरूर। इसे मैं एक बाउल में पूरे पेस्ट को निकाल लूंगी। अब इस पेस्ट को मैं अच्छे से मिला के इसके अंदर सारे स्प्रिंग ऑनियन को डाल दूंगी। डाल के फिर से अच्छे से मिला लूंगी। फ्रेंड्स, ये हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा होता है। इसमें ना ही तेल है, ना घी है, ना ही हम लोग इसे फ्राई कर चुके हैं। ये रॉ है, इस वजह से बहुत ही हेल्दी होता है। अब सारे स्प्रिंग ऑनियन और जो पीनट पेस्ट है उसे हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप एक बार टेस्ट करके देखिए। इसमें नमक अगर खटाई और चाहिए तो थोड़ा सा डाल सकते हो। ऊपर से डाल के फिर से मिला लीजिए। देखिए, मेरा चटनी रेडी हो गया है। कितना कलरफुल लग रहा है, आप लोग भी जरूर ट्राई करिए। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए जरूर। चलिए, तो फिर हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।